हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि सुबह के कम से कम 12 बज चुके हैं, मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि दुकान पे मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो मैं रोज़ नहीं सुबह जाती, जब इन्होंने कहीं जाना होता है कारीगर के पास या कोई काम जाना होता है तो मुझे दुकान पे बैठना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ दुकान पे, तो ये 2:30 बजे आएंगे। तो दोपहर की सब्जी के लिए मैंने मटर पनीर की सब्जी बना दी है, तो मैं बस आके फटाफट रोटी बनाऊँगी तो खा लेंगे। मम्मी को भी देनी होती है, इनको भी देनी होती है, तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ दुकान पे और बाकी बातें करते हैं हम दुकान पे। मटर पनीर की मेरी सब्जी बन गई है और 3 बज गए हैं। मैं मम्मी को फटाफट खाना देने जा रही हूँ। आज बहुत देर हो गई है, मैं दुकान से ही लेट आई हूँ। हेलो मम्मी जी, रोटी? मैं कहा देर ही होगी, 3 बज गए होने आई है ना दुकान, तो सब्जी आके बनाई, मसाला बना गई सी, सब्जी आके बनाई है, खा लो। अचार दे दा कोई, हम उदा गोल्डी भल्ला देके गया। अच्छा, गोल्डी भल्ला देके गया, चलो भल्ला खा लो ते नाल मटर पनीर खा लो। मैं ना पनीर ज्यादा टुकड़े नहीं देते, उसी तानू हैवी हो जांदा है ना। हाँ, ते तरी और मटर दे देते, पनीर थोड़ा घाट ही दे देता है, ठीक है? तानू अच्छा नहीं लगता ना इन्ना, कहते भारी हो जांदा है। ये कोट पैंट है जो कन्नू रात को अपने सर की शादी पे पहनेगा, नीचे ऐसे करके है, ये नीचे इसके इस कलर की, जब ये पहनेगा मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। ये वास्केट है, ऊपर ये कोट है और नीचे ये इस तरह का है। ये बहुत सुंदर कलर है, डार्क ब्लू। तो ये वाला कन्नू, तेरा कोट पैंट यही पहनेगा? हाँ। कितने बजे जाना है? नहा रहा है? अच्छा, चल नहा ले फिर। ये कोट पैंट पहनेगा और नीचे व्हाइट शर्ट पहनेगा, बहुत स्मार्ट लगेगा, और साथ में लोफर पहनेगा, और लड़का स्मार्ट बन के शादी पे जाएगा। कन्नू हो गया है बिल्कुल शादी पे जाने के लिए तैयार। नीचे देखो इसके जूते, और ये कोट अपने हाथ में लेके जा रहा है, गाड़ी में टांगेगा, क्योंकि कहता है मुझसे नहीं पहना जा रहा ये, ऐसा लग रहा है जैसे शादी इसकी होती है। और अपना तैयार व्यार होके बच्चे चल पड़े, जा रहे हैं आप तो सुबह आएगा है, 3 बजेंगे। अच्छा, चल फिर बेल मार दियो, बाय, शादी इंजॉय करो। बाय बाय, गाड़ी में टांग लियो कोट, प्रेस किया हुआ है, खराब नहीं होगा, टेक केयर। पूछी को देखो, बिल्कुल मम्मी के पास बैठी हुई है, यहाँ पर मम्मी के बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठी है, देख रही है कि कन्नू चला गया, चीना है नहीं, ये बड़ी उदास हो रखी है। हाँ जी, की कह रहे हो मम्मी जी? जगह तो मैनू नहीं पता किस जगह शादी है, इन्ना पता है 6:30 बजे पहुंचना है, क्योंकि इनकी शादी है ना उत्थे, इन्हें सहरा बनना है 6:30 बजे। अच्छा, हाँ जल्दी जाएगा, सहराबंदी, हाँ सहराबंदी होगी ना, तो यह मतलब हूँ 6:30 बज गए ने। अच्छा, बस यह चला गया। अच्छा, हाँ हूँ राती आएगा 2:30-3 बजे। अच्छा, डोली नु विदा करके पता नहीं कदों आएगा। हाँ, रोटी खा गया हूँ, मैं रोटी बना दी सी, जो कन्नू है वो शादी पे चला गया है, 6:30 शाम के बज चुके हैं, और चीना की फ्लाइट भी 5 बजे की थी, बस चीना घंटे की फ्लाइट थी, चीना भी शायद एयरपोर्ट पे उतर गई होगी, थोड़ी देर में चीना भी आ जाएगी। जब तक बच्चे घर नहीं आती टेंशन रहती है, जैसे घर में आ जाएंगे तो अपने आप को शांति मिल जाती है कि बच्चे घर में आ गए हैं। अब मैं चीना का वेट कर रही हूँ, चीना आए, कोको पूछी भी, पापा भी, सब चीना का वेट कर रहे हैं कि चीना कब आएगी और कब हमारे लिए क्या लेके आएगी वहाँ से। मैं शॉप पर बैठी हुई हूँ, तो ये किसी काम से बाहर गए हैं, तो मेरे को अभी चीना का फ़ोन आया है कि मम्मी मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। हाय हाय, दिल्ली में बहुत गर्मी है। अरे कश्मीर से आओगे तो दिल्ली में गर्मी तो लगेगी लगेगी, मैं खुद बैठी हूँ पसीने पसीन हूँ, एसी चल रहा है, अभी बाहर से आई हूँ तब भी इतने पसीन पसीन हूँ, आ गई है, अब आधा पौना घंटा लगेगा, एयरपोर्ट से कैब करेगी और ये घर आ जाएगी। और कन्नू शादी पर जा चुका है, ये अपना घर आ रही है, फिर पूछते हैं कि इसका कैसा रहा सफ़र। हमारी शॉप के बाहर ही बिल्कुल ट्यूसडे मार्केट लगती है। ये देखो, ये जलेबी वाला जलेबी बना रहा है, ये भैया दुकान के बाहर खड़े हैं, पपीता बेच रहे हैं, आलू वाले, टमाटर वाले, सब है। आपकी वीडियो बन रही है भैया, कल आप यूट्यूब में आ जाओगे। हमारी दुकान के बाहर जो ट्यूसडे मार्केट लगती है, मैं वहाँ से
सब्जी लेके आई हूँ, ये देखो आम, आम भी 100 रुपये किलो, गोभी 100 रुपये किलो, मटर 100 रुपये किलो, टमाटर ठीक है 30 रुपये किलो, ये बैंगन 15 रुपये पाव किलो लेके आई हूँ, ये जरा से बैंगन है 60 रुपये के, ये देखो प्याज भी ठीक है 30 रुपये, ये जलेबी लाई हूँ थोड़ी सी, ये मैं रात को खा लेंगे, ये थोड़ा सा धरा हरा धनिया और जरा सी पालक लाई हूँ, मैंने कहा अब मटर पनीर बनाया था दोपहर को, तो अब देखती हूँ थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ पकौड़े बना लेती हूँ जरा से, चीना भी आने वाली है, चीना पकौड़े शौक से खाती है, और चीना आम भी, आम भी शौक से खाती है, नहीं तो मैंगो शेक बना दूंगी। चीना घर में आ गई है, कोको पूछी बिल्कुल, इसको कोको पूछी ऊपर है, नहीं पूछी गोदी में है, कोको भी आ रही है कश्मीर की गली, कश्मीर से आ गई है, कश्मीर मुझसे मत रूठो बाबूजी, तो ऐसे करे वहाँ एक मकान ले लें, वहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था, यहाँ इतना गंदा मौसम हो रहा है, वो तो तुझे पता ही है कि दिल्ली में होता है ऐसे, कश्मीर में एक मकान ले लेती, गई थी तो रजिस्ट्री करवा थी। हाय मेरा बच्चा, ओ कोको पुछी लड़ रहे हैं, कोको पुछी दोनों लड़ रहे हैं चीना के लिए, को पुछी पहले कोको को पानी पी रही है, उसको प्यास लगी है, दोनों लड़ रहे हैं, देख लो दोनों लड़ रहे हैं, चीना मेरी है, चीना मेरी है, कोको किसी के कहने पे भी नीचे नहीं आती, मर चीना ने जैसी आवाज मारी कोको फटाफट नीचे आ गई, मेरे कहने पे तो नहीं आती, और तेरा सही ना, हाँ भोग रही है ना, वो कह रही है मेरे को था, हाँ मस्त मजेदार, थक गई यार, चल लेट जा थोड़ी देर, कोको किसी के कहने पे नहीं आती, चीना तेरे कहने पे फटाफट आई है, देख तेरे बिना उदास हो गई थी ये, वो कह रही है मेरी कश्मीर की कली आ गई है, कोको पूछी का खाना, इनकी स्टिक दे दो, कैल्शियम बोन कैंसर स्टिक दे दे, एक एक दे दे इन दोनों को, मैं ना अभी पूछी को केला ही खिला रही थी, इसने केला, तू आई ना केला छोड़ दिया, और तेरा सही रहा वैसे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बारिश आ रही थी ना एक दिन कल, बहुत तेज बारिश आ रही थी, ठंड हो गई होगी, और बाहर नहीं निकल पा रही थी, अच्छा। तो मनाली आ गई सर्दियों में, मनाली से तो कश्मीर बहुत ज्यादा अच्छा है, उससे भी खूबसूरत है, ऐसे ठंड की वजह से कह रही हूँ कि सर्दियों में जैसे होता ना, हाँ पर कश्मीर की सर्दियां जब मैं गई थी तो वो तो दिसंबर में, हाँ वो तो बड़ी खतरनाक होती है, चलो फाइनल दादी बुला रही है, माजी चीना मेरा कश्मीर आ गया, कड़ा कश्मीर आ गया, कब वो ये जला हुआ ठीक है, नहीं अभी इतनी जल्दी कहाँ से, कुछ लाई रुको रुको रुको, सैफ्रॉन भी लेके आई थी, केसर लाई, केसर केसर पता नहीं कितने है, पता ही सुध नहीं है, अखरोट लेके आई है, अच्छा तो छिल के दवांगी भिगो के, ये दूसरे मम्मी कागजी कागजी अखरोट ने मम्मी जी, हाँ तो यह था छिल के भिगो के खाना, अच्छा हाँ टॉयलेट लेके आई है, तो माजी के लिए वो नहीं लेके आए थे, मैंने कहा था गोड्डे मिलते हैं सर्दियों में ऊपर डालने के, सर्दियों में मिलते हैं अभी नहीं मिलेंगे, बाकी मेरे को पता नहीं, मेरे को जाने को तो समझ नहीं है कहाँ से कहाँ, चलो मैं ना इस बार अपनी मेरी बात सुन, मैं जाऊंगी मैक्लोडगंज पापा के साथ अगले महीने, हाँ तो मैक्लोडगंज वो बनाते हैं, हाँ, तो मैं माजी के, हाँ वहाँ पर बनाएंगे ना, मैं उनको बोल दूंगी कि वो मुझे बना के दे दो, तो आगे वास्ते मम्मी मैं गोड्डे लेके आवांगी, ठीक है, वो ना बनाते ने उसी टाइम, जी मैं आप जावांगे दो दिन वास्ते, जाते ही बोल दांगी, उत्थे औरता ना दुकान ते बैठी बैठी बना रही होंगी, तो थोड़ा मैं तुहाडे वास्ते मैं गोड्डे लेके आवांगी, उन्दे उन्नी ये देखो पूछी को देखो, फिर आधार कार्ड नवा बने हैं ना, देखा आपने भी, हाँ देखा है, बेकार सा वो भी कड़ा काम का लग रहा है, तो कोई हल्का लाइट लाइट, हाँ वैसे 50 रुपए का बनता है, वो रह गया ना मेरे पास, थी नहीं उन्होंने लॉ ही नहीं करा मुझे, हाँ मैं वीडियो बना रही थी, बुला कर पूरा मेरा फोन बंद, वीडियो डिलीट करवाई, रिसेंट डिलीट कराई, वीडियो नहीं बना देते वहाँ पे, अच्छा कौन नहीं वीडियो बनाने देते, कहाँ पर एयरपोर्ट पे, मैं बोल रही थी देखो आधार कार्ड ऐसे अपने आप से मतलब ब्लॉक के लिए बुला के डिलीट करवा दी, हाँ तो वो की होगी बाकी तो होंगी सारी, बाकी सिर्फ वही एयरपोर्ट की डिलीट, अच्छा एयरपोर्ट की, हाँ अरे बहन से मिलने आई, उसको मिलने दे, और सुना भाई स्कूल की अभी छुट्टियां नहीं हुई, नहीं आज ये ले पूछी लड़ाई हो जाएगी दोनों, कोको को ले गई भाग के, कोको ले गई, कोको ले गई, ये देखो तेरे को तो
तेरे को तो वैसे ही दोनों भूख थी। एयरपोर्ट से हाँ पजामे में ही आ गई ना। कौन स्कूटी के ऊपर चढ़ गई? चल कोई बात नहीं। कोको स्कूटी पे चढ़ गई मेरी बच्ची, मेरा नोना बाबू, छोना छोना। पायल की जो एंगेजमेंट थी वो 21 मई की थी, तो सब लोग जो हैं मोस्टली दिल्ली के हैं, जो भी 50-60 मेंबर्स हैं सब दिल्ली के हैं, हम भी दिल्ली के हैं, तो हम लोगों को 20 को जाना पड़ता, फिर 21 को वहां रहना पड़ता, 21 से लेके 26 तक, यानी कि 27 तारीख को हम घर आते या 28 को आते, तो पूरा वीक कोई भी नहीं रह सकता। सब ने यही बोला कि आपने एंगेजमेंट की डेट मतलब कि बहुत आगे रख दी है, आपको पहले एंगेजमेंट 21 की है, उसके बाद 24 को फंक्शन है, फिर 25 को है, फिर 26 को है, ये 2-3 दिन तो खराब हो गए। फिर यही डिसाइड किया गया कि एंगेजमेंट की जो डेट है वो हम कैंसिल कर देते हैं और 24 को फंक्शन होगा, 25 को फंक्शन होगा, 26 को होगा, और 26 तारीख को जो शादी है शादी वाले दिन ही मतलब कि स्टेज के ऊपर ये रिंग सेरेमनी कर लेंगे। एंगेजमेंट में होती तो रिंग सेरेमनी है, तो ये लोग मतलब कि स्टेज के ऊपर ही रिंग सेरेमनी करेंगे, तो इसलिए इन लोगों ने एंगेजमेंट की डेट को कैंसिल कर दिया है। गाइज मैंने कल बोलना था कि चीना दिल्ली से तो निकल गई मगर कश्मीर से नहीं निकल पाई, मुंह से निकल गया कि इंडिया से निकल गई और कश्मीर से नहीं निकल पाई। सॉरी अगर मैंने ये गलत बोला है, तो कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, मेरा सिर्फ गलती से मुंह से निकल गया। बाकी आप सबको ही पता है कि कश्मीर तो इंडिया के अंदर ही है ना, गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। संचाली अरोड़ा जी का इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था कि उनकी मम्मी 5 साल से बीमार है, तो आप चिंता मत करो आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं साईं बाबा से भी प्रेयर करूंगी कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, आप टेंशन मत लो। राज राजपूत जी हैं, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उन्हें पसंद आते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था इंस्टाग्राम की कि आप मेरा नाम लो, तो मैंने उनका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। निशा खान जी, आपकी मम्मी ठीक नहीं है, मैं साईं बाबा से जरूर प्रेयर करूंगी कि आपकी मम्मी ठीक हो जाए और आपके पापा भी जल्दी वापस आ जाएं। अमरजीत कौर जी, आपकी बेटी बीमार है, उसको फीवर है, तो आप टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप उसे दवाई वगैरह दें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो वो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगी। ईशिता ठुकराल जी और निशा पंचाल जी, ये मेरे ब्लॉग देखती हैं, इन्हें पसंद आते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक बाय बाय।